नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ चौहान सायदा वात्सल्य कन्या शाळामां आपनुं स्वागत करू छूं। आज हूँ तमने धोरण 5 विषय हिंदीमां एकम 5 चिड़ियाघर की शेर, जेने गुजरातीमां कहेवामां आवे छे, प्राणी संग्रहालयनी मुलाकात विषे समझावीश। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। काले गीता, तेरा दादाजी साथे प्राणी संग्रहालय गई हती। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तेने जोयू के सिंहना पांजरा पासे खूबज भीड़ हती। शेर गर्जा तो सब डरकर पीछे हट गए। सिंह गर्जना करी तो बधा डरीने पाछा खसी गया। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। सामे लोको वांदरा ने मगफड़ी अने केड़ा खवड़ावी रहा हता। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी ए कहू, जो पेलू लख्यू छे प्राणी संग्रहालय ना प्राणियों ने खावानू आपवानी मनाई छे। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुँह का बंदर। गीता बोली उठी, दादाजी पेलो जुओ काड़ा मोढ़ा वाड़ो वांदरो। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है, लंगूर का मुंह काला होता है। दादाजी हंसी पड़या अने बोलिया, दिकरी ए लंगूर छे, लंगूर नो मुंह काड़ू होय छे। एक जगह गेंदा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सिंग था। साथ वाले बांडे में लंबी गर्दन वाला जीरा धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। एक जगह गेंडो देखायो जेना नाक पर मोटू सिंगड़ू हतु। बाजूना वाड़ा में लांबी गर्दन वालू जीरा धीरे धीरे फरतु हतु। गीता दादाजी ने खींची ने आगल ले गई। वहां भालू दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। त्यारीज बे पगों पर उभूर हतु। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियों अने बतखों तरी रही हती। गीताए दादाजी ने बीजी बाजू इशारो करीने बतावी कह्यू, दादाजी दादाजी पेलो जुओ पत्थर चाली रह्यो छे। दादाजी इसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है, जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है, खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। दादाजी तेने समझाता बोलिया, दीकरी ते काचबो छे, ज्यारे तेने बीक लागे छे त्यारे ते पोतानी गर्दन अने हाथ पग पोताना कवच में सतावी दे छे, कवच तेनू रक्षक छे। गीता दौड़ीने आगळ गई। एक मोटा तळाव में मगर तरी रह्या हता। जेवू एक मगरे मोढ़ू खोल्यू के गीताए डरीने दादाजीनो हाथ पकड़ी लीधो। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरिहल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ और इधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी पंखी है, इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक बोली, दादाजी कुछ चिड़ियाँ तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती हैं, जैसे चिड़ियाँ पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी दिखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है, वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। जरा आगर एक मोटू पांजरू हतु, तेमा घना बधा पक्षीओ हता। गीताए खुश थईने ताड़ी पाड़ी अने कह्यू, पेलो जो पोपट। दादाजीए कह्यू, हाँ अने त्यां जो पेलो सफेद विदेशी पक्षी, तेने काका कौवा कहे छे। गीता खुश थई बोली, दादाजी केटला पक्षीओ तो अपना घरनी पासे पण जोवा मळे छे, जेम के चकली। गई साल उजाणी वखते अमे बगीचामां नाचतो मोर पण जोयो हतो। दादाजीए गीताने जणाव्युं के सौथी मोटो पक्षी शाहमुर्ग छे, पेलो जो शाहमुर्ग झाड़नी छायामां उभुं छे। चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला है। दादाजी ने अपनी लाठी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए।
પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં હાથી અને ઊંટની સવારી પણ કરી શકાય છે. સામે આઈસ્ક્રીમની એક લારી હતી. દાદાજીએ પોતાની લાકડી ઊભી મૂકી અને ગીતા માટે આઈસ્ક્રીમ ખરીદ્યો. અત્યાર સુધીમાં બંને થાકી ગયા હતા. તેઓ પ્રાણી સંગ્રહાલયના દરવાજેથી બહાર આવ્યા, બસમાં બેઠા અને પોતાના ઘરે આવી ગયા.